फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की नई तरीके की सब्जी। ये देखिए, ये मैंने स्पून के मदद से इसको राउंड से निकाल दिया है और मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, तेल में डाल के मैंने इसको फ्राई कर दिया है। इसको अच्छी तरह से तेल में फ्राई करेंगे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैंने सारे आलू को इसमें फ्राई करेंगे और जब तक ये आलू फ्राई हो रहा है तब तक ये देखिए मैंने सारी सब्जियाँ काट के रखी है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा लहसुन, धनिया पत्ता और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तीनों करके इसमें मिक्स करेंगे। देखिए, जब तक हम लोग का आलू इसमें फ्राई होता है तब तक मैं इसमें इसका ग्रेवी तैयार करूँगी। इसमें मैंने डाला तेल, आप जो तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद से मैं फोरन में तेज पत्ता, खड़ा गरम मसाला, ये सब मैं डालूँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा 2-3 वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं और भी अच्छा वीडियो बना सकूं और आप लोगों के सामने ला सकूं। देखिए, मैं डाली प्याज, मैं प्याज डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। देखिए, इसको अच्छा से मेरा कलर होने दीजिएगा। ये मैंने डाला लहसुन, हरी मिर्च, अच्छे से भून लूँगी। हम लोग का प्याज हो गया, अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर भी अच्छे से फ्राई होने दूँगी। फ्राई होगा ना तो उसका स्टफिंग बहुत अच्छा होगा और बहुत ही लकड़ी ये स्टफिंग लगते हैं मेरे घर में, जो सबको बहुत ही अच्छा लगता है। इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। ये देखिए, तब तक हम लोग का आलू ये अच्छे से फ्राई हो गया है और इसको मैं यहाँ निकाल दूँगी। ये देखिए सब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छा से फ्राई होने देंगे। अदरक लहसुन अच्छा से फ्राई हो जाता है, भुजा जाता है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं डालूँगी हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा मरीच, मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। अब मैं सबको इसमें मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, मैंने सारे मसाले को इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी 5 मिनट। इसमें मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और ये मैं अच्छे से इसको फ्राई होने दूंगी। बढ़िया से मसाला जब भुंजा जाता है अच्छे से, ये तेल ऊपर आ जाएगा, तब मैं इसको निकालूंगी। फिर आपसे मिलती हूँ 5 मिनट में। ये देखिए, हम लोग का मसाला अच्छे से भुंजा गया है। ये देखिए, अब मैं इसको एक प्लेट में हल्का सा मसाला निकाल लूँ। मैंने इसमें मसाला निकाल दिया है। मैं स्पून की सहायता से ये जो इसमें ये होल किए थे इसमें भर दूंगी। देखिए ऐसे स्टफिंग इसको डाल दीजिए। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। ये तो मेरा शुरुआत है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, मैंने इसमें भर लिया है और मैं भर दूँगी। इसमें मैं पानी डाल दूँगी। जितना आपको ग्रेवी रखना है उसके अनुसार इसको ग्रेवी रखूँगी। ये देखिए, मैंने सारे को भर के तैयार कर लिया है। मेरा मसाला भी हो चुका है ग्रेवी तैयार। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। देखिए ऐसे डालना है। देखिए, मैंने सारे आलू को इसमें डाल दिया है। इसे कहते हैं भेज अंडा, ठीक है। अब इसको मैं एक सीटी तक कर दूंगी, या इसलिए कि आलू फ्राई तो हो गए हैं लेकिन अच्छे से ये बन जाएंगे। ये देखिए, सब्जी बन के तैयार हो गई।
ये देखिए सब्जी बन के तैयार हो गई। अब ये हरा धनिया से आप इसको कर दीजिए और सर्व कीजिए। ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार आप ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।